फ्रेंड्स वेलकम डिजी साथ कार्यक्रम तरुण ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों आपने भिन्न शब्द सुना है? सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। बच्चों हम तो किसी भी पूर्ण चीज को देख सकते हैं या देखते भी हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कलम, ये क्या है, एक बोर्ड है। यहां पे कौन सी आकृति दिख रही है, वर्ग, यहां आकृति आयत, यहां आकृति वृत्त। यदि हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो किसी भी पूर्ण चीज को जब हम बराबर इक्वल भाग में बांटते हैं तो उसे हम जो भाग बंट जाता है उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, इस वर्ग को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, चार बराबर भागों में बांटा गया है। वर्ग एक है, पूर्ण है, लेकिन जब इसको हम बराबर भाग में बांट देते हैं तो इसमें चार भाग दिखाई दे रहा है। मान लो इसके इस भाग को किसी को हमने दे दिया तो इस वर्ग में कुल बराबर भाग कितने थे, चार। हमने कितने भाग को दे दिया, एक। यानी इसको अगर हम भिन्न के रूप में प्रकट करना चाहेंगे तो लिखेंगे 1/4। मान लीजिए अब इसके और एक भाग को हमने किसी को दे दिया, यानी कुल कितने भाग थे, चार। कितने भाग को हमने दे दिया, दो। यानी 2/4 क्या हुआ, भिन्न हुआ। इसी प्रकार तीन भाग को भी दे सकते हैं। अब दूसरा चित्र में आइए, यह एक आयत की आकृति है और इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें से बच्चों मान लो कि हम तीन भाग किसी को दे दिए, 1, 2, 3, तो कितने भाग बचे, कुल 6 भाग हैं, 3 भाग दे दिए तो इसको भिन्न के रूप में प्रकट करेंगे, 3/6। इसमें से और एक भाग हमने किसी को दे दिया, 4/6। अब देखिए और एक आकृति है, वृत्त है। इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, मान लीजिए कि इसके इसके 1, 2, 3, 4, 5 पांच भाग को रंग से भर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि बताइए इसको जो रंग भरे हुए भाग हैं उसको भिन्न के रूप में कैसे प्रकट करेंगे, तो आप लिखोगे चूंकि कुल कितने भाग हैं, 8 हैं, और कितने भाग को रंग किया गया, 5, तो आप लिखिएगा 5/8। इस तरह से एक बेसिक आइडिया हमको हो गया बच्चों कि अंश और हर, यानी भिन्न में ये अंश होता है, ये हर होता है, और भिन्न को हम तभी प्रकट कर सकते हैं जब एक पूर्ण चीज को किसी होल चीज को इक्वल पार्ट्स में हम बांटते हैं। अब हम लोग आगे की कड़ी में देखेंगे भिन्न के कितने प्रकार हैं, भिन्न के प्रकार पर चर्चा करेंगे। भिन्न के प्रकार, तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य भिन्न की बात करते हैं। समतुल्य भिन्न, अब हम लोग किसको देखते हैं, बच्चों देखो समतुल्य भिन्न को समझने के लिए यहां पर आपको वृत्त के आकृति दिखाई दे रहे हैं। पहला वृत्त 2 भागों में बटा है, एक लाल रंग से दिखाई दे रहा है, दूसरा सफेद रंग से, और इसको जब बराबर 2 भाग में बांटा जाता है, मान लो लाल ये हो गया, सफेद यहां रह गया, तो चूंकि 2 बराबर भाग में हम इसको बांटे हैं, एक रेड वाला एक व्हाइट वाला, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और ये समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा वृत्त देखिए, इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 2 भाग को ग्रीन कलर से रंगा गया है और 2 भाग खाली हैं, तो इसका समतुल्य भिन्न कैसे करेंगे, पूरे हरे वाले को अलग रख दीजिए, सफेद वाले को अलग, और इसको हम भिन्न के रूप में कैसे प्रकट करेंगे, 2/4, क्योंकि 2 भाग रंगे हुए हैं और टोटल 4 हैं। तीसरे को देखिए, इस वृत्त में टोटल कितने भाग हैं, 6 भाग हैं,
छह में से तीन रंगे हुए हैं और तीन खाली हैं। अब तीन रंगे हुए भाग को अलग कर दीजिए और ये तीन खाली वाले हैं, तो अब इसको भिन्न के रूप में प्रकट करेंगे तो टोटल कितने भाग हैं, छह, और रंगे हुए कितने हैं, तीन, तो इसको हम लिखेंगे तीन बटे छह। ये समतुल्य भिन्न हुआ। इसी प्रकार और एक उदाहरण है जिसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ वृत्त को आठ भाग में बांटा गया है और इसको येलो कलर से रंगा गया है, ये येलो वाला आधा हो गया और ये व्हाइट वाला आधा हो गया। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, चूंकि टोटल आठ भाग हैं तो हम लिखेंगे चार बट्टे आठ। अब सभी को अगर आप उदाहरण एक दो तीन चार को देखिएगा तो पहले वाले को एक बट्टे दो, दूसरे को दो बट्टे चार, तीसरे को तीन बट्टे छह और चौथे को चार बट्टे आठ लिखेंगे। सभी इसलिए तुल्य भिन्न है क्योंकि एक बट्टे दो बराबर दो बट्टे चार होता है और दो बट्टे चार बराबर तीन बट्टे छह और तीन बट्टे छह बराबर चार बट्टे आठ हो सकता है। सबको हम एक बट्टे दो लिख सकते हैं, यानी दो बट्टे चार भी एक बट्टे दो है, तीन बट्टे छह एक बट्टे दो और चार बट्टे आठ एक बट्टे दो, यानी सबका जो रिजल्ट है जो परिणाम है वो एक बट्टे दो ही आएगा, भले किसी भी वृत्त में कितने खाने क्यों ना हो। और ये इस प्रकार से समतुल्य भिन्न की बात करते हैं। पहला हमने समतुल्य भिन्न के बारे में चर्चा किया, अब हम लोग देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न, ये उचित भिन्न क्या है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब हम भिन्न में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो अंश होता है ऊपर में और हर होता है नीचे। जब किसी भी भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तब हम उसको उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंश छोटा तीन बटे पांच, हर बड़ा। उदाहरण के तौर पर अंश छोटा हर बड़ा। उदाहरण के तौर पर अंश छोटा हर बड़ा, यानी जितने भी हम यहां पे देख रहे उदाहरण सब में अंश छोटा है और हर बड़ा है और इसलिए इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। अब हम और एक भिन्न के प्रकार पर चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं विषम भिन्न। ये विषम भिन्न क्या है, यह है कि जब किसी भी भिन्न में अंश जो है वो बड़ा हो और हर जो है छोटा हो। जैसे हम कहें पांच बटे दो, या पांच क्या है, अंश है जो बड़ा है और हर दो है जो छोटा है, इसलिए क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। इस प्रकार कई उदाहरण हम ले सकते हैं, सात बटे चार, कई उदाहरण ले सकते हैं। सब में आप देख रहे हैं कि अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है। इसको हम लोग मिश्र भिन्न में भी प्रकट कर सकते हैं, मिश्र भिन्न, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में भी प्रकट कर सकते हैं। किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, जैसे पांच बटे दो का मिश्र भिन्न क्या होगा, पांच बटे दो को हम दो से भाग दे सकते हैं, दो से हम भाग देंगे तो क्या होगा, दो दूने चार, शेष बचा एक, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो पूर्णांक एक बट्टे दो। यानी मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न विषम भिन्न का ही परिणाम होता है, यानी दो पूर्णांक एक बट्टे दो को हम क्या लिख सकते हैं, पांच बट्टे दो लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न जो होता है उसमें क्या होता है, मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होता है और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा उचित भिन्न होता है। कैसे, हमने देखा कि दो क्या है, एक पूर्णांक है और एक बट्टे दो उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि उचित भिन्न में अंश हमेशा छोटा होता है और हर बड़ा होता है, इसलिए दो पूर्णांक एक बट्टे दो एक मिश्र भिन्न है और ये किसका परिणाम है, विषम।